दिल्ली से ही मेरा सफर शुरू होता है। रात के लगभग 1:44 पर श्री केदारनाथ जी के लिए चार धाम यात्रा पर, तो लगभग 2:44 की ही मेरी ट्रेन रहेगी हरिद्वार के लिए। इस सफर में नींद ऐसी खोई, हम ना सोए लेकिन रात थकस हो गई। ट्रेन चल पड़ी है, फॉर्चुनेटली सीट मिल गई है बैठने के लिए। सोचा नहीं तो सीट मिल जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा रॉन्ग साइड से ऊपर चढ़ा था तो सीट मिल गई फॉर्चुनेटली मुझे भी और भाई को भी। मैं तो चलते मिलते डायरेक्टली आपको हरिद्वार। थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हुआ है, रात के लगभग 3 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा सोते हैं, मिलते कल सुबह हरिद्वार। हरिद्वार फूल है चुके हैं हरिद्वार। टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 8:02। हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहला काम करना था वो था फ्रेश होना था, तो फ्रेश होने हमारा सबसे करीबी दोस्त यानी हम पहुंच चुके थे गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में फ्रेश वगैरह तो हो लिया, नहा भी लिया, अब चलते हैं माथा टेकते। माथा टेकने के बाद लंगर लग रहा है, लंगर चखते फिर निकल जाएंगे अगली जर्नी के लिए। दोपहर के लगभग 12:44 हो रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड परिवहन मंडल। तो यहां से हम जा रहे हैं केदारनाथ के, आई डोंट नो कौन सी बसेस चलेगी लेकिन ट्राई करते हैं। उससे यहां से गवर्नमेंट बसेस तो चलती है लेकिन सुबह सुबह चलती है, दोपहर तक तो चलती है, पता नहीं फिर अभी चलेगी नहीं चलेगी, देखते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे इस तरह पर, कुछ लोग बोल रहे बाहर की तरफ, आई डोंट नो मिलेगी नहीं मिलेगी। किसी एक जनाब से बात करने के बाद ये डिसाइड हुआ है अभी पहले हम चलेंगे ऋषिकेश लगभग 40-42 किलोमीटर, फिर वहाँ से देखेंगे आगे। हरिद्वार से एक ही बस चलती है सवेरे 5 बजे, और किसी को जाना है डायरेक्टली हरिद्वार से केदारनाथ की तरफ तो आप सीधा 5 बजे बस स्टैंड पहुँच जाना। ऋषिकेश बस तो फूल है लेकिन चलना पड़ेगा, इससे कुछ भी हो जाए, आई डोंट नो। फाइनली 2 बसेस मिस करने के बाद तीसरी बस में हम सवार हो चुके हैं और निकल रहे ऋषिकेश की तरफ। लगभग यहाँ से दूरी होगी 25 किलोमीटर के अबाव, तो लगभग 1 घंटे का सफर रहेगा। उसके बाद शायद बस मिलेगी तो बस से चले जाएंगे आगे सोनप्रयाग की तरफ। अगर बस नहीं मिलती है वही अपना पुराना फार्मूला हिच हाइकिंग जिंदाबाद। उस रूट में हिच हाइकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ओह माय गॉड, यहाँ से 1000 रुपये सीट, कहाँ तक छोड़ोगे? गौरी कुंड तक, सोनप्रयाग तक, 1000 रुपये बोल रहे सीट का। हाँ देखो आप इतने लोग हैं, कुछ कम करवा लो। ऋषिकेश तो पहुँच गए थे लेकिन जैसे मैं ड्राइवर लोगों से बात कर रहा हूँ फिर बड़ा महंगा बता रहे, लगभग 1000 रुपये पर पर्सन मिनिमम बता रहे। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर ऋषिकेश पहुँच जाते हैं या फिर हरिद्वार पहुँच जाते हो तो सुबह सुबह बस चलती है, एक तो सुबह हरिद्वार से 5 बजे के आसपास बस चलती है और यहाँ से 3:30 के आसपास बस चलती है, वो लगभग 500 रुपये फेयर में आपको छोड़ सकती है केदारनाथ के आसपास। तो आप बस से ट्राई करना जाने की, थोड़ा सा टैक्सी वगैरह महंगी यहाँ पर थोड़ी इस टाइम पर मिल रही है। सो हम तो हिचहाइकिंग करके जा रहे हैं और यहाँ से लगभग ये सफ़र रहेगा लगभग 6-7 घंटे का सफ़र होगा, तो चलो चलते हिचहाइकिंग करते। मैंने
बोर्ड भी नहीं लिया, बोर्ड तो लेना चाहिए। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर आप ऋषिकेश पहुँच जाते हो तो यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप, ट्रांजिट कैंप भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और जा सकते हो केदारनाथ जी के दर्शन करने। ये इधर भी स्विगी चलता है जी? हाँ हाँ स्विगी तो चलता है यहाँ पर, लगभग डेढ़ घंटे पहले यहाँ पर आए थे और अभी भी यहीं पर है। कुछ कुछ सामान ले ही रहे, कभी कभार मैगी ले रहे, कुछ ठंडा ले रहे, उसके बाद चीनी ले रहे, नींबू ले रहे, नींबू भी 3 kg नींबू ले लिया, ऊपर दोस्त को चाहिए और बहुत कुछ सामान ले लिया हम लोगों ने। दोपहर के कड़कती धूप में निकल रहे हम ऋषिकेश के सिटी के बाहर, वहाँ से करेंगे हिचहाइकिंग। आई डोंट नो लिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन चल रहे इस मार्केट से बाहर निकल जाएंगे पहले। ऋषिकेश से तो निकल गया था, पता नहीं उम्मीद पे मैं निकल चुका था कि लिफ्ट मिलेगी, कोई ना कोई हेल्प कर देगा। उसी उम्मीद पे मुझे ये अपने बड़े भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दे दी है। भैया नाम क्या आपका? मेरा विवांक है भाई। विवांक और ये अपने गब्बर भाई साहब। तो ये भाई साहब जा रहे हैं तो मैंने बस पूछ लिया कि भैया आप मुझे छोड़ दोगे वहाँ तक, आ गए जहाँ तक भी जा रहे हो। तो इस भैया ने तो छोड़ दिया मुझे लगभग 15-20 किलोमीटर बाहर तक, तो पता नहीं इसके बाद मुझे लिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। इन जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हाँ ये बिल्कुल सही है, आगे जाना या फिर आगे लिफ्ट मांगना बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर होगा। यहाँ से सफ़र कोई छोटा सफ़र नहीं है, 250 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। छोटे छोटे डेस्टिनेशन पार करते करते पहुँच जाएंगे धीरे धीरे से। सॉरी क्या मेरे बात कर रहा था वो भैया, नाम क्या आपका? कौन नेम भैया? प्रशांत। आप यही से लोकल हो? नहीं नहीं बाहर से हो? हाँ। कहाँ से? मुंबई। अच्छा मुंबई से? मराठी? हाँ मराठी, सिंधी पर मराठी है। कई बाइक, कई टैक्सी, कहीं पर पैदल चलना, इतने हेवी बैग के साथ लगभग 20 kg का वेट होगा और इन पहाड़ों में चलना, एक अलग सा सुकून मिलता है, मज़ा मिलता है यार। आई डोंट नो अब अगली लिफ्ट कहाँ कब मिलेगी, कहाँ तक मिलेगी, लेकिन यहाँ से लगभग मुझे 183 किलोमीटर चलना है। एक जोक भी है लेकिन ये पहाड़ों में पॉसिबल है। और यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि बाइक चल रही है, सुबह किसी भी बाइक वाले के साथ में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के हिसाब से मैं कवर कर पा रहा हूँ, सो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है। इन नदियों में रैपलिंग का बहुत ज़्यादा बिजनेस चलता है, काफ़ी लोग यही से रैपलिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ देवप्रयाग से हूँ जी। देवप्रयाग से? अच्छा तो अभी तो पे आपका चैनल क्या है जी? आपका चैनल क्या है? आपका नोमैड पुनेकर। ओके मुझे आपका नाम आशीष है। ओके दोपहर के बज रहे 3:40 और मेरी जर्नी की चौथी लिफ्ट पे मैं धीरे धीरे 4 kilometers, 10 kilometers, 15 kilometers ऐसे लिफ्ट लेके जा रहा हूँ। सो यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर की और एक लिफ्ट मिल गई है। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको दिख रहा होगा एक पानी थोड़ा सा गाढ़ा है, एक पानी थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर है। जो गाढ़ा पानी ऊपर से जो आ रहा है वो आ रहा है केदारनाथ से, और जो थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर है वो आ रहा है बद्रीनाथ से। सो तो यही हो जगह है देवप्रयाग, जहाँ पर दो नदियों का संगम हुआ है, अलकनंदा एंड भागीरथी। आशीष भाई थैंक यू सो मच, बोलेंगे कभी ना कभी थैंक यू सो मच लेकिन लिफ्ट के लिए थैंक यू। शाम के लगभग 5:25 हो रहे और इन खूबसूरत पहाड़ियों का मज़ा देख लो यार, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब भी मैं फिलहाल केदारनाथ से लगभग 150 किलोमीटर दूर हूँ, क्या पता मैं शाम तक पहुँच पाऊँ, मतलब शाम तो हो ही गई है, रात को पहुँच पाऊँ नहीं पहुँच पाऊँ पता नहीं। 150 किलोमीटर मुश्किल है पहाड़ों में, अगर मैं नॉर्मल एरिया होता तो मैं बोल सकता था शायद मैं कर लेता, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। ओहो भाई साहब रुक गए
ये जनाब रुक गए भाई लिफ्ट के लिए, पता नहीं कैमरा ऑन ही था। पूछ तो भैया आप कहाँ तक जा रहे हो? आप कहाँ जाओगे? वैसे मैं केदारनाथ की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ तक जाओगे वहाँ तक छोड़ दोगे? मतलब कहाँ जाना है आपे? मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। केदारनाथ तो जा रहे हो? केदारनाथ जा रहे हो? हाँ जी। केदारनाथ ही जाएंगे हम लोग। छोड़ दोगे? नोमैड पुनेकर। किससे? नोमैड पुनेकर। अच्छा, कैंपिंग वगैरह सब कुछ है? कैंपिंग भी हमारे साथ पास है, हमारे साथ के लड़के गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो वो कैंपिंग कर चुके हैं मतलब। ओके ओके। तो अलकनंदा नदी के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा मंदिर धारा देवी मंदिर है, खूबसूरत है ऊपर से दिखने में खूबसूरत। आप अगर यहाँ पर आना चाहते हो श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव होगी, और केदारनाथ से पहले लगभग 100 किलोमीटर, तो आप आ सकते हो खूबसूरत जगह अलकनंदा नदी के पास। चारों तरफ से अलकनंदा नदी और बीच में बसा हुआ धारा मंदिर। अंकुर भाई और नीन जनाब की वजह से मैं पहुंच पाया था केदारनाथ, तो केदारनाथ तो पहुंच गए। पार्किंग में बन रही अभी फिलहाल के लिए चाय, टेंट यहाँ पर मैंने लगा दिया है। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो मिलते हैं कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कल के वीडियो में आपको देखने जो कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ की हाइकिंग। सो मिलते हैं कल, स्टे ट्यून। अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं, 3 दिन से सोया नहीं हूँ, तो जल्द से जल्द मैं चाय पीते मैगी बनाते फिर सो जाएंगे।